देखिए वेलकम टू एडमिशन टिकट $10 पर एडल्ट किड्स $8 सनफ्लावर में एंट्री वन आइटम सेकेंड आइटम वन स्टीम $2 का है। हेलो हाउ आर यू व्हाट वी कैन सी हियर Yeah, so we have a pick your own for sunflowers. Mm-hmm. We'll of course take lots of pictures of them. Mm-hmm. So we have a large field of sunflowers. Mm-hmm. People walk down and the Strasbourg Railroad goes right through, right past the sunflower. So you mm-hmm. might see the train go by. तरह से हम जो है पहुंच गए हैं सूरजमुखी के खेत में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सनफ्लावर रिटर्न क्लिपर्स, क्लिपर मतलब होता है जो आपको सनफ्लावर काटने के लिए जो आपको चाहिए वो आप इस तरह से ले सकते हैं। पानी में से रखा ताकि कोविड ओविड है उससे बचने के लिए धुल जाएगा। Okay. तो यहाँ पे लिखा है कि फ्रेश एयर जोन नो स्मोकिंग नो वॉकिंग, मतलब कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता वो भी नहीं पी सकते हैं। और सनफ्लावर का आप देख सकते हैं फूल कुछ इस तरीके से दिखता है। आ गया, ये है, तो ये है सनफ्लावर का फूल जो कि बेबी फूल है, बहुत छोटा है और जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो ये भी अभी तरह से छोटा ही है, अभी जो इधर से काफी छोटे छोटे इसमें फूल भी लगे हुए हैं और इधर जो है बड़े बड़े इसमें फूल लगे हुए हैं। और फूल जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है बैगनी कलर का है और इधर देखिए पीला कलर का है ना, तो लाल कलर भी है, बैगनी कलर भी है, ठीक है, कई कलर के हैं। जैसे इसका नाम है सूरजमुखी, मतलब कि हमेशा सूरज का मुंह करता रहता है। तो देखिए ये है सूरज और ये है जो है मुंह, इसका सूरज का मुंह इस साइड रहता है। तो इस घटना को बोलते हैं हेलियोट्रॉपिज्म, ठीक है, जिसका मतलब कि जो सूरज की तरफ मुंह करके मतलब सूरज को तो प्यार करे उसको हेलियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि ये जो है जैसे सूरज अभी इस साइड है तो उधर पश्चिम में जाएगा, तो पश्चिम में जाने के बाद इसके सारे फ्लावर के मुंह जो है पश्चिम जाके रुके रहेंगे और पूरे रात भर में वो मॉर्निंग में आ जाते हैं, ठीक है, फिर जाकर के फिर ये रोटेट करते रहे, दिन भर इनका यही काम रहता है। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ये सनफ्लावर, ठीक है। तो सनफ्लावर में क्या होता है कि इसमें जो है 1000 से लेकर 2000 सीड हो सकते हैं। दरअसल में ये एक फूल नहीं है, एक फूल के अंदर ढेर सारे फूल होते हैं छोटे छोटे। रियल में जो बोटेनिकल जो फूल होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये बाहरी वाले फूल नहीं है, पूरा एक मिला के एक मुंडक, जैसे गेंदा फूल होता है उसी तरह से ये भी होता है ये, ठीक है, मुंडक पुष्पक्रम बोलते हैं इसको बॉटनी के भाषा में, ठीक है। और ये देखिए पर्पल कलर वाला है ये, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें देखो कीड़ा भी बैठा हुआ है। लेट मी शो यू, दिस इज द वन फ्लावर, दिस आर वन फ्लावर लुक लाइक, दिस इज मेल पार्ट, दिस फीमेल पार्ट डाउन देयर, देयर इज स्टिग्मा, देयर इज दैट एंथर, एंथर होता है, एंथर उसके स्टिग्मा में गिरता है, इस तरह से प्रजनन की प्रक्रिया। Where did you find that? Oh, here. Wait, there's a lot of stigmas in it. Yeah, there's a lot of flowers inside. ये है सीड, सीड इसके जो ये व्हाइट वाला पार्ट है ना, बाद में सीड बन जाएगा, ठीक है। So we only have to get the full seeds? Yeah. तभी ये so young flower है ये, इसमें तो सीड अभी नहीं बना हुआ है। So for example, if you have the seed, if you roast it, it will turn into a sunflower. Yeah. What's in the middle? They are young flower on the middle and adult flower on the side. ये कैलिक से करोला बाहर आप देख रहे देख सकते हैं, ठीक है। Here. Yes, Nikal. Take out one. Right there. I look good. Yeah. Wait. That's a big one. Yeah, you got one. Oh, you found the seed? इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम खेत के दूसरे छोर पे आ गए हैं, यहाँ पर लगा है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब हो गया है कि इसके आगे ट्रेन ट्रैस ट्रैक अहेड, मतलब कि आगे नहीं जाना, क्योंकि ओह माय गॉड वहाँ पे ट्रेन ट्रैक है भी वो, तो इसलिए मना किया गया आप ट्रैक पे नहीं जा सकते, तो सेफ्टी के लिए लगा रखा है ताकि कोई उधर ना जाए। तो इस तरह से जो है हम सब इस पार में आ गए हैं। और जानकारी के लिए बता दो कि सनफ्लावर में तो आप जानते हैं कि अमेरिका में हिस्ट्री देखा जाए तो ये इसको रसिया से लाया गया था, और रसिया ने सबसे पहले जब अमेरिका को दिया था तो जो है रॉयल्टी बेस पे दिया था कि जो भी आप इससे पैसा कमाएंगे उसका रॉयल्टी हमको देंगे। बाद में जब समय सीमा खत्म हो गया तो जो है अब तो पूरी दुनिया में है ये, और
जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो है बहुत फेमस है, इसके सीड जो है तेल वगैरह तो बनते ही बनते हैं, पकौड़ी छान कर लोग खाते ही हैं, लेकिन उसके सीड जो है लोग जैसे मूंगफली लोग छील के खाते हैं, उसी तरह से इसके जो है भून करके पैकेट में भर के भेजते हैं, तो लोग टाइम पास करते समय इसका भी सीड उसी तरीके से मूंगफली की तरह छील के खाया जाता है। ठीक है, कोई मैच देख रहे हों, कहीं बाहर जा रहे हों, कहीं ट्रिप पे जा रहे हों, तो इस तरह से टाइम पास हो जाता है। काफ़ी फेमस है, क्रेज है यहाँ के लोगों में इसका सीड खाने में। ठीक है, और लंबाई के बारे में बता दूं कि जैसे देख सकते हैं हमारे हमसे भी लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पे, लेकिन ये 30-30 फुट तक लंबे होते हैं ये, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 25-30 फुट लंबे तक रिकॉर्ड किए गए हैं सनफ्लावर का प्लांट। और इसके प्लांट जो है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बहुत ही स्ट्रांग एकदम लकड़ी जैसे होते जाते हैं। ठीक है, इसके प्लांट जो है आप उससे तुलना कर सकते हैं भिंडी का पेड़ जो होता है उसी तरह से, उसमें छोटे छोटे रेशेदार होते हैं जो बहुत हाथ में गढ़ते भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं अमेरिका का जो है ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें जो है सनफ्लावर बोया गया है, और ये सनफ्लावर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लोगों का 10 डॉलर है ना, 110 हाँ, तो बच्चों का जो है 8 डॉलर है, सयान लोगों का, हम सब सयान हैं, तो जो है इसका जो है 10 डॉलर लगा हुआ है में खेत में घुसने का। ठीक है, तो आइए खेत में एंजॉय कीजिए, नेचर के साथ रुकिए, है ना, टाइम पास कीजिए, ट्रेन देख रेलवे ट्रैक बगल में ही है कूदना हो कूद जाइए सामने। ठीक है, तो ये सब है गाँव की खूबसूरती यहाँ पे। जो है नजारा आपको गांव में ही देखने को मिलेगा अमेरिका में बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसमें आपने देखा ये ट्रेन जो है वो लंबी दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि आसपास के खेतों में टहलने के लिए, पेंसिल्वानिया है ये स्टेट, पेंसिल्वानिया में बहुत खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे देखने घूमने के लिए बनाए जाते हैं। बगल में ही यहाँ पे जो है बच्चों को खेलने के लिए जो है भूसा है कि क्या है, मकई है ना, हाँ मकई का गट्ठर है ये। ठीक है, ये देखिए मकई है, ये देखिए टुकड़े आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, मकई का गट्ठा बना हुआ, आप इसमें जो है एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इधर भी, इधर बीच में जो है काफी अच्छे सनफ्लावर हैं, इधर तो अभी आए हुए नहीं है, और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं क्योंकि इसमें जो है गरा सौपर कुछ ऐसे होते हैं जो आवाज निकालते हैं ना, उस तरह से आवाज भी आ रही है। ये चौराई है क्या, अगर आपको समझ में आ जाए तो बताइएगा कि इंडिया में हम सबके खेतों में जो है चौराई भी उगती है, और ये चौराई जैसा लग रहा है, इसकी बनती है सब्जी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बताइएगा, मुझे तो चौराई ही लग रहा है। ठीक है, पालक की तरह होता है। आज काटते हैं ना सनफ्लावर, तो यहाँ से हम एक सनफ्लावर काट के लेके जा सकते हैं जो टिकट में इंक्लूड है। ये देखिए सफेद कलर का सनफ्लावर, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ सफेद कलर का। It's so little. मुझे नहीं पता था कि सफेद भी होता है, पर्पल और रेड और ये सब येलो तो मैंने बहुत देखा हुआ है, लेकिन सफेद मैंने पहली बार देखा है। तो हम सब जो है फाइनली एक काट के ले जाएंगे घर, उसी के तलाश में लगे हुए हैं कि कौन सा लें और कौन सा ना लें। करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या। तो इसे आप देख सकते हैं ये वाला पौधा अभी काफी यंग है, मेच्योर है अभी, और इसमें फ्लावर अभी लगने वाले हैं, और इस तरह से मेच्योर हैं जो इसमें से आप काट के ले जा सकते हैं। और इस तरह से लोगों में क्रेज होता है, आते हैं काट के लेके जाते हैं, और अगर एक्स्ट्रा आपको खरीदना है शो के लिए घर, जो लोग दुकान रखे हैं घर में लगाने के सजाने के लिए टेबल पे, इस तरह से जो है पानी में डाल के रख देंगे तो महीनों तक इसका फूल जो है मुरझाता नहीं है। ठीक है, देखो पिक योर ओन जो है एरो इधर बना है, टेक अ पिक्स एंड एक्सप्लोर दिस साइड है, तो पिक वाले एरिया में जा रहे हैं, तो जो इस साइड है ये है तो बढ़िया, ये बहुत बढ़िया लग रहा है फ्लावर, ये थोड़ा इसको अन्य, डू यू लाइक दिस वन, आहा हियर वी गो अन्य, देखो अन्य इधर अन्य
तो इस तरह से हम जो है सनफ्लावर के खेत से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने का रास्ता इधर से है। तो इस तरह से हम सूरजमुखी के खेत से बाहर निकल रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा सूरजमुखी का खेत? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सूरजमुखी की खेती। तो यहाँ पे देखिए पानी रखा है और कप है। इस कप में जो है चलो कप नहीं ले जाते हैं, बरसाती ले जाते हैं। बरसाती में जो है हम इस तरह से डाल देते हैं चारों को, ठीक है, और इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे बरसाती से, ठीक है, फिर हम इसको कार में रख देंगे तो ये सेफ रहेगा।